नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। रघुवर दास होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में नीलकंठ सिंह मुंडा ने उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया, जबकि प्रस्ताव का समर्थन सरयू राय और सीपी सिंह ने किया। इंडियन मुजाहिदीन की धमकी, 26 जनवरी को करेंगे धमाके। राजस्थान के गृह मंत्री समेत राज्य के 10 कैबिनेट मंत्रियों और 6 राज्य मंत्रियों को सरकारी ईमेल आईडी पर इंडियन मुजाहिदीन के नाम से धमकी दी गई है। मेल में लिखा है कि 26 जनवरी को धमाके करेंगे, रोक सको तो रोक लो। ये मेल मंत्रियों को 22 दिसंबर को मिले हैं। राजस्थान पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ठंड और कोहरे से ट्रेनें लेट, अब तक 42 की मौत। राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत में ठंड से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। कोहरे के कारण करीब 20 ट्रेनों का समय बदला गया है। वहीं 40 से ज़्यादा ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला परिवार सहित गायब। कथावाचक आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला एक सप्ताह से अपने बेटे और पति के साथ रहस्यमय ढंग से लापता है। सूरत शहर के कामरेज थाने के उपनिरीक्षक NM अहीर ने बताया कि बलात्कार पीड़िता अपने बेटे और पति के साथ एक सप्ताह से अधिक समय से लापता है। पुलिस विभाग ने पीड़िता को सुरक्षा के लिए 4 कांस्टेबल मुहैया कराए थे। ₹150 करोड़ के क्लब में शामिल हुई पीके। आमिर खान की फिल्म पीके 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म पीके 19 दिसंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह के दौरान करीब 95 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म ने महज 6 दिनों में ही 154 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पीके को न सिर्फ दर्शकों ने सराहा है, बल्कि फिल्म के आलोचकों का भी दिल जीत लिया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार।